हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑटोनॉमस एकेडमी चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा प्लाज्मा लेक्चर सीरीज का 10वां वीडियो है। हम अपने पिछले वीडियोस में प्लाज्मा पर और सॉलिड स्टेट प्लाज्मा पर चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस और उनका सब्जेक्ट मैटर पसंद आया होगा। आज हम इन लिक्विड प्लाज्मा या सोल्यूशन प्लाज्मा पर चर्चा करेंगे। किसी लिक्विड में प्लाज्मा सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, किंतु आज हम यह जानेंगे कि किसी सॉल्यूशन में प्लाज्मा बनाया जा सकता है। हम प्लाज्मा निर्माण की विधियों को समझेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि सॉल्यूशन प्लाज्मा के कौन कौन से अनुप्रयोग वर्तमान में प्रचलन में हैं, भविष्य में इस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं, यह जानने का प्रयास होगा। लेक्चर शुरू करें इससे पहले प्लाज्मा और इसके इतिहास को संक्षेप में समझना अच्छा होगा। इस दिशा में प्रारंभिक प्रयासों की शुरुआत होती है जॉर्ज क्रिस्टोफर लिचनबर्ग से। लिचनबर्ग जर्मनी में गणित के प्रोफेसर थे। इन्होंने फर्म के रोयों में दो इलेक्ट्रोडों के बीच ब्रश डिस्चार्ज का पता लगाया था। माइकल फैराडे, जिन्होंने 1821 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी दी थी, इन्होंने लिचनबर्ग के प्रयोग को समझा और उसकी उपयुक्त व्याख्या की। सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखा। वास्तव में यह पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा के प्रथम दर्शन थे। हालांकि उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ गैस के अणु हैं जो चमक उत्पन्न कर रहे हैं। बाद में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर ऑन रेडिएंट मैटर में इस घटना को बहुत अच्छे से परिभाषित किया। जर्मन साइंटिस्ट यूगन गोल्डस्टाइन ने कैनन रेस का पता लगाया था, जिसके बारे में उस समय कहा गया था कि प्लाज्मा इलेक्ट्रॉनों व आयनों का मिश्रण है। अमेरिकी वैज्ञानिक इरविन लैंगमुर ने 1923 में आयनित गैस में ऑसिलेशंस नोटिस किए, जिसे उन्होंने प्लाज्मा ऑसिलेशंस कहा, तथा उन्होंने बताया कि इनके उत्पन्न होने का कारण प्लाज्मा के आवेशों का असमांगी वेग वितरण है। हम जानते हैं कि आवेशों के वितरण की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि उनका वितरण समांगी हो जाए। इस प्रकार प्लाज्मा को अमेरिकी वैज्ञानिक इरविन लैंगमुर ने फाइनली डिफाइन किया। गैस डिस्चार्ज पर पहली पब्लिश्ड रिपोर्ट जर्मन वैज्ञानिक जोहानस स्टार्क ने 1919 में प्रस्तुत की थी। उनके द्वारा प्रतिपादित स्टार्क प्रभाव के लिए उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 1918 में ही स्टार्क ने रुडोल्फ सिलिगर को यूनिवर्सिटी ऑफ कैर्सवाल्ड में आमंत्रित किया था। वास्तव में रुडोल्फ सिलिगर ही पहले वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लाज्मा की इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की शुरुआत की थी। 20वीं सदी के सेकेंड हाफ तक प्लाज्मा के उपयोग काफी अधिक बढ़ने लगे। नियॉन ट्यूब और इचिंग प्रोसेसेस में प्लाज्मा का उपयोग होने लगा, जो बड़ी तेजी से अन्य क्षेत्रों में भी अपने पैर पसारने लगा। 1990 के दशक के मध्य में तकनीकी प्रगति ने वायुमंडलीय दाब के तहत नॉन थर्मल रूप से उत्पन्न होने वाले प्लाज्मा का जन्म हुआ। इससे महंगी और जटिल वैक्यूम सिस्टम की आवश्यकताओं का भार नहीं रह गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में नॉन थर्मल प्लाज्मा का योगदान बढ़ने लगा। 1996 में लारोसी ने पहली बार नोवल स्टेरिलाइजेशन विधि की व्याख्या की, जिसमें वायुमंडलीय दाब में ग्लो डिस्चार्ज प्लाज्मा का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स का स्टेरिलाइजेशन हो या कैथेटर्स की सफाई हो, घावों को जल्दी भरने की व्यवस्था हो, इस तरह चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में इनका उपयोग बढ़ने लगा। पिछले 20 वर्षों में नॉन थर्मल प्लाज्मा यानी कोल्ड प्लाज्मा या दूसरे शब्दों में सोल्यूशन प्लाज्मा के जो शोध पत्र हैं, चिकित्सा के अलावा जल शोधन, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कोल्ड प्लाज्मा के रूप में सोल्यूशन प्लाज्मा की बात करने का अब उपयुक्त समय है। आइए अब हम बात करते हैं लिक्विड प्लाज्मा की। सन 1987 में क्लीमेंट्स द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें पानी के अंदर हाई वोल्टेज पल्स डिस्चार्ज उत्पन्न किया गया था। इस प्रक्रिया में पदार्थ प्लाज्मा में परिवर्तित होता है। 80 के दशक में लिक्विड प्लाज्मा प्रोडक्शन की संभवता यह पहली खबर थी। इसके बाद विभिन्न रिसर्च ग्रुप इस दिशा में काम करने लगे।
पिछले वर्षों में लिक्विड्स के अंदर कार्बोराइजिंग, वेल्डिंग, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, वाटर ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर आदि क्षेत्रों में सॉल्यूशन प्लाज्मा के उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लिक्विड प्लाज्मा जनरेशन के इसके प्रोडक्शन की विधियों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से लिक्विड प्लाज्मा प्रोडक्शन की दो विधियां हैं। पहली विधि है जिसे हम कहते हैं अंडर वाटर स्ट्रीमर डिस्चार्ज विधि। अंडर वाटर स्ट्रीमर डिस्चार्ज मेथड में पानी के अंदर लीनियर प्लाज्मा जनरेट होता है। यहां लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है जो कोरोना डिस्चार्ज में कन्वर्ट होता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैविटेशन के कारण या फिर कंडक्शन करंट के द्वारा हीटिंग के कारण वाटर के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के दौरान इलेक्ट्रोड के किनारे अनगिनत सूक्ष्म बुलबुले बनते हैं। एक एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा डिस्चार्ज उत्पन्न करने के लिए 50 से लेकर 400 किलो वोल्ट और 100 एम्पियर करंट का विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक बहुत बड़ा मान है। यह मान गैसी प्लाज्मा उत्पन्न करने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के मान से भी अधिक है। व्यापारिक रूप से इसे प्राप्त करना तथा इसे बरकरार रखना अत्यंत कठिन काम है। हालांकि किसी द्रव के अंदर अंडर वाटर स्ट्रीमर का उत्पादन 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय के लिए पल्स वोल्टेज के द्वारा किया जाता है। द्रव के अंदर अंडर वाटर स्ट्रीमर्स 30 से 100 माइक्रोसेकंड की दर से उत्पन्न होते हैं जब द्रव का वाष्पन लिक्विड एयर इंटरफेस में होता है। लिक्विड प्लाज्मा जनरेशन का जो मॉडल है वो चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ प्लाज्मा सेंटर में है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये पूरे प्लाज्मा का जो एरिया है उसको प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर दो जो इंटरफेस है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो इंटरफेस है ये प्लाज्मा गैस इंटरफेस है, जबकि ये वाला जो इंटरफेस है ये गैस लिक्विड इंटरफेस है। वास्तव में ये जो प्लाज्मा है ये गैस के द्वारा कवर्ड है और ये प्लाज्मा और गैस, ये जो पूरा सिस्टम है ये वाटर के अंदर है। तो इस तरह से हमें दो अलग अलग डिफरेंट इंटरफेस प्राप्त होते हैं। जब किसी लिक्विड के अंदर प्लाज्मा जनरेट करना होता है तो हम देखते हैं कि द्रव के अंदर डूबे इलेक्ट्रोड में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेसिव हीटिंग जनरेट होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड के आसपास का लिक्विड अपनी फेज को परिवर्तित करके गैस में रूपांतरित हो जाता है। चूंकि लगातार ताप बढ़ते रहता है इसलिए ये गैस बाद में फिर प्लाज्मा में जनरेट परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव के अंदर इलेक्ट्रोड के निकट बहुत छोटे से क्षेत्र में प्लाज्मा उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ जन्मा प्लाज्मा अभी भी द्रव के अंदर ही निर्मित हो रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही लिक्विड के अंदर प्लाज्मा जनरेट हो रहा है लेकिन इसकी जनरेशन की बेसिक प्रोसेस वही है जो गैसी प्लाज्मा में होती है या सॉलिड स्टेट प्लाज्मा में। सही मायने में लिक्विड के अंदर जनरेट होने वाले इस प्लाज्मा को लिक्विड प्लाज्मा या सॉल्यूशन प्लाज्मा कहना ठीक नहीं होगा, सही अर्थों में इसे इन लिक्विड प्लाज्मा कहना ठीक होगा। लेकिन शब्दों के प्रचलन को आधार मानते हुए हम इस लेक्चर में लिक्विड प्लाज्मा शब्द बार बार कहेंगे। उम्मीद है कि आप इस बात के तथ्य को समझ रहे होंगे। लिक्विड प्लाज्मा जनरेशन की दूसरी विधि में किसी द्रव के अंदर शॉक वेव या अल्ट्रासोनिक वेव इम्पोज करके हीटिंग के द्वारा प्लाज्मा प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ सॉल्यूशन में दो प्रभाव बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिन्हें हम केज इफेक्ट और ट्रैपिंग इफेक्ट कहते हैं। इनके बारे में समझते हैं। डिस्चार्ज के कारण सॉल्यूशन में रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये रेडिकल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से चारों ओर से घिरे होते हैं, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रेडिकल को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। सॉल्यूशन में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के कारण बबल्स का निर्माण होता है। यहां रेडिकल्स को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चूंकि पूरी तरह ढांक लेते हैं, इस प्रकार इस प्रभाव को हम केज इफेक्ट कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एमिशन या कोलिजन के कारण जो डीएक्टिवेशन होता है उसमें बाद में उत्पन्न होने वाले जो रेडिकल्स हैं बुलबुलों में उपस्थित आयनों
तथा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ एक सॉल्वेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा का प्रभाव एक तरह से कमजोर सा हो जाता है। इस प्रभाव को हम ट्रैपिंग इफेक्ट कहते हैं। किसी सॉल्यूशन में उत्पन्न होने वाली प्लाज्मा में ये दो प्रभाव काफी असर डालते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बाद में समझेंगे। जब लिक्विड प्लाज्मा आयन एक्सचेंज वाटर की आयनाइजिंग के कारण उत्पन्न होता है, तो पानी में एक अत्यंत तेज चमक वाला श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। यहां प्लाज्मा का स्रोत पानी में घुली हवा नहीं होती बल्कि वाष्पित जल होता है। यही वाष्प वास्तव में प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है। यह चित्र जापानी समुद्र की गहराई में बड़ी मात्रा में उपस्थित मीथेन हाइड्रेट से हाइड्रोजन फ्यूल प्राप्त करने की विधि दर्शाता है। यहां लिक्विड प्लाज्मा के डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के माध्यम से बनने वाले बबल्स के द्वारा हाइड्रोजन एनर्जी प्राप्त की जाती थी। वर्तमान में यह कार्य पंप्स की मदद से किए जाते हैं। यह चित्र गैसियस प्लाज्मा, सॉलिड प्लाज्मा और लिक्विड प्लाज्मा में अंतर को बताता है। ताप और दाब जैसे पैरामीटर्स के आधार पर तीनों प्रकार के प्लाज्मा में यह अंतर देखा जा सकता है। यहाँ प्लाज्मा के इन तीनों रूपों के उपयोग भी संक्षेप में दर्शाए गए हैं। इसी द्रव में प्लाज्मा उत्पादन की विधियों को चार उपवर्गों में बांटा जा सकता है। हमें पर्पस के अनुसार मेथड को सिलेक्ट करना होता है। इलेक्ट्रोड संरचना तथा आवश्यक ऊर्जा स्रोतों के आधार पर ये विधियां कुछ इस प्रकार है। पहली विधि, जिसे हमने प्लाज्मा ए नाम दिया है, डायरेक्ट डिस्चार्ज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड यूजिंग एन एसी पल्स पावर सप्लाई। दूसरी मेथड, जिसे हमने प्लाज्मा बी नाम दिया है, इसे हम कॉन्टेक्ट डिस्चार्ज यूजिंग डीसी पावर सप्लाई कहते हैं। तीसरी मेथड, जिसे हमने प्लाज्मा सी नाम दिया है, इसमें प्लाज्मा जनरेशन यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर माइक्रोवेव पावर के द्वारा यहाँ उत्पन्न होती है प्लाज्मा। और चौथी प्रकार की जो विधि है, जिसे हमने प्लाज्मा डी नाम दिया है, इसमें लेजर एब्लेशन के द्वारा प्लाज्मा को उत्पन्न किया जाता है। यहाँ प्लाज्मा उत्पादन की चारों विधियों के चित्र प्रदर्शित हैं। पहली विधि से उत्पन्न की जाने वाली प्लाज्मा की जो प्रोसेस है वो इस चित्र में दर्शाई गई है, जिसे हमने प्लाज्मा ए कहा है। इस विधि में द्रव के अंदर डूबे दो इलेक्ट्रोडों के बीच डायरेक्ट डिस्चार्ज उत्पन्न किया जाता है। इस विधि के द्वारा द्रव के भीतर डिस्चार्ज प्लाज्मा की उत्पत्ति इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में, आर्क डिस्चार्ज के रूप में, कैपिलरी डिस्चार्ज के रूप में या स्ट्रीमर डिस्चार्ज के माध्यम से लिक्विड के अंदर प्लाज्मा को जनरेट किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त किए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रोड एक समान आकार के होते हैं, एक समान आकृति के होते हैं तथा इन्हें परस्पर बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम डीआयनाइज्ड वाटर ले सकते हैं, इथेनॉल ले सकते हैं या लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कंडक्टिव मीडिया में डूबे दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित कर डायरेक्ट डिस्चार्ज के माध्यम से प्लाज्मा उत्पन्न किया जा सकता है। यह चित्र दूसरे नंबर की विधि अर्थात प्लाज्मा बी मेथड को प्रदर्शित कर रहा है। सन 1963 में वैज्ञानिक हिकलिंग तथा इंग्राम ने ग्लो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोलिसिस की खोज की। इस प्रक्रिया में किसी लिक्विड में उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर किसी एक इलेक्ट्रोड और उसके चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के बीच हाई टेम्परेचर प्लाज्मा शीत बन जाने से ग्लो डिस्चार्ज उत्पन्न होता है। इस विधि में एक कंडक्टिव मीडिया में दो इलेक्ट्रोड परस्पर 5 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तक की दूरी पर कहीं भी रखे जा सकते हैं। यहाँ एनोड तथा कैथोड का सरफेस एरिया अलग अलग रखा जाता है। कोई एक इलेक्ट्रोड दूसरे की तुलना में छोटा रखा जाता है। छोटे सरफेस एरिया वाले इलेक्ट्रोड की सतह पर जलवाष्प की एक पतली परत बन जाती है। इसी परत में वास्तव में प्लाज्मा उत्पन्न होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच डीसी पावर सप्लाई से इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो लिक्विड में जूल हीटिंग के कारण कैथोड के निकट एक फोम जैसा उत्पन्न हो जाता है। फोम में वास्तव में बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म अनगिनत बुलबुले होते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में लिक्विड की कंडक्टिविटी चेंज होती है, अतः यह जरूरी है कि लिक्विड की कंडक्टिविटी एक रिक्वायर्ड लेवल तक बनी रहनी चाहिए। यहां हम देखते हैं कि अधिकांश केसेस में कैथोड के रूप में बड़े क्षेत्रफल वाली प्लेटिनम जाली
का उपयोग किया जाता है, जबकि एनोड के रूप में मेटल वायर का इस्तेमाल करते हैं। यहां स्टेबल डीसी पावर सप्लाई तथा पल्स्ड डीसी पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार की विधि में, जिससे उत्पन्न होने वाले प्लाज्मा को हमने प्लाज्मा सी कहा है। इस क्षेत्र में माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव द्वारा एंटीना इलेक्ट्रोड को रेडिएट करके प्लाज्मा उत्पन्न करने की विधि प्रदर्शित की गई है। यह विधि कम विद्युत शक्ति में प्लाज्मा उत्पादन की एक अच्छी विधि है। यहां प्लाज्मा जनरेटिंग एपरेटस का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तथा लिक्विड का डाइइलेक्ट्रिक लॉस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अन्य विधियों के विपरीत यहां इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यहां सीधे ही शुद्ध जल में भी प्लाज्मा उत्पन्न किया जा सकता है इस विधि की मदद से। बल्कि यहां पर प्रायः शुद्ध जल में ही लिक्विड प्लाज्मा उत्पन्न किया जाता है। जल की चालकता 0.2 से 7000 के बीच कुछ भी हो सकती है। यहां जल के दाब को बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि यहां जल के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। यह चित्र चौथे प्रकार की विधि, जिससे उत्पन्न होने वाले प्लाज्मा को हमने प्लाज्मा डी कहा है, उससे प्रदर्शित कर रही है। इस विधि में लेजर एब्लेशन टेक्निक से द्रव के अंदर प्लाज्मा उत्पन्न किया जाता है। इस विधि में द्रव के अंदर डूबे सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर उच्च ऊर्जा युक्त लेजर आपतित करवाई जाती है, जिससे प्लाज्मा की सतह पर एक छोटी प्लाज्मा बॉल बन जाती है। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस व डीप सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका प्रायः उपयोग करते हैं। यह चित्र प्लाज्मा सी के जनरेशन को प्रदर्शित कर रहा है। यहां अल्ट्रासोनिक वेव तथा माइक्रोवेव के एक साथ रेडिएशन से किसी द्रव में उत्पन्न होने वाली प्लाज्मा की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। यहां आप देख रहे हैं जल में डूबे टाइटेनियम अलॉय एंटीना और टंगस्टन एंटीना इलेक्ट्रोड को अल्ट्रासोनिक वेव तथा माइक्रोवेव से एक साथ रेडिएट किया जाता है, जिससे शुद्ध जल में भी प्लाज्मा जनरेशन उत्पन्न किया जा सकता है। यहां एंटीना इलेक्ट्रोड के साथ बहुत तेज चमक दिखाई दे रही है। यहां खास बात यह है कि इस विधि में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहां पर शुद्ध जल में भी प्लाज्मा को उत्पन्न किया जा सकता है। यह चित्र प्लाज्मा ए के जनरेशन प्रोसेस को दर्शाता है। यहां हम देखते हैं कि दो समान आकार व आकृति के इलेक्ट्रोडों के बीच डायरेक्ट डिस्चार्ज के माध्यम से द्रव के अंदर प्लाज्मा जनरेशन हो रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि रिएक्शन स्पीड काफी हाई है और मास ट्रांसफर भी बहुत अधिक उच्च है। हम देखते हैं कि लिक्विड प्लाज्मा जनरेशन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। एक लिक्विड में कंटिन्यूअस प्लाज्मा जनरेशन के लिए गैसी प्लाज्मा की तुलना में बहुत अधिक परिमाण की उच्च विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे इलेक्ट्रोडों पर बहुत अधिक थर्मल लोड होता है। प्रायः इलेक्ट्रोडों के रूप में टंगस्टन, एल्यूमिनियम, मॉलिब्डेनम, स्टेनलेस स्टील तथा कार्बन के इलेक्ट्रोड्स प्रयुक्त किए जाते हैं। इनकी अधिकतम आयु 10 मिनट होती है। अधिकांश तकनीकों में द्रव में प्लाज्मा उत्पादन के दौरान बबल्स बनते हैं, जिनमें प्लाज्मा उत्पन्न होता है। बबल्स जनरेटिंग डिवाइस को सेपरेटली कनेक्ट किया जाता है, तब भी प्लाज्मा जनरेटिंग पोर्शन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव रेडिएशन डिवाइस को प्लाज्मा उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रोड के बहुत अधिक इंस्टॉल किया जाता है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में कि लिक्विड प्लाज्मा जनरेशन की जो प्रोसेस है ये अधिक से अधिक सरल हो। इस दिशा में वैज्ञानिकों को काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। यह चित्र लिक्विड प्लाज्मा के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगों को दर्शाता है। लिक्विड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर फील्ड में सीड जर्मिनेशन और प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए किया जा रहा है। सरफेस मॉडिफिकेशन तकनीक में लिक्विड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रण में प्रभावकारी कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा है। लिक्विड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में हो रहा है, जहां धातु और अधातु के नैनो कणों का निर्माण इस तकनीक से किया जा रहा है। लिक्विड प्लाज्मा का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग स्टेरिलाइजेशन में है, जिसमें पीने के पानी का शुद्धिकरण तथा मेडिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने में इसका उपयोग किया जाता है।
फूड सेफ्टी में लिक्विड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का वर्तमान में उपयोग बड़े चलन में है, जिसकी मदद से खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने की स्थिति में रखा जा सकता है। साथ ही खाद्य पदार्थों की आयु के साथ साथ गुणवत्ता में भी वृद्धि हो रही है। आज की डेट में लिक्विड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग पूछा जाए तो वह मेडिकल फील्ड ही है, जहां कैंसर थेरेपी से लेकर प्लाज्मा डेंटिस्ट्री तक और हेमेटोलॉजी से लेकर प्लाज्मा डर्मेटोलॉजी तक लिक्विड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के उपयोग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, लिक्विड प्लाज्मा के उपयोगों पर लंबी चर्चा की जा सकती है, किंतु ये बेहतर होगा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया जाए। हम अगले लेक्चर में लिक्विड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के उपयोगों को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में हमने लिक्विड प्लाज्मा के निर्माण की विधियों पर चर्चा की, साथ ही इसके उपयोगों को संक्षेप में समझा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, और जो वीडियो आपको अच्छे लगे उन्हें अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। पुनः धन्यवाद।